हेलो फ्रेंड्स, आई एम अवि मित्तल एंड यू आर वॉचिंग अवि मित्तल व्लॉग्स। आज हम बात कर रहे हैं एमसीसी के लेटेस्ट नोटिस के लिए, जो कि नीट पीजी के काउंसलिंग के लिए आया है। इसमें ये बताया गया है कि जो नीट पीजी अब की बार हो रही है और जो नीट पीजी लास्ट ईयर हुई थी, उनमें क्या डिफरेंसेस है। और नीट पीजी की काउंसलिंग की जो डेट है वो भी इसमें अनाउंस कर दी गई है कि काउंसलिंग जो है वो शेड्यूल कर दी गई है कि 12 तारीख से वो स्टार्ट कर दी जाएगी। मतलब 12 को वो काउंसलिंग जो है वो स्टार्ट कर दी जाएगी। द काउंसलिंग फॉर नीट पीजी इज शेड्यूल्ड टू कमेंस फॉर 12 ऑफ जनवरी। हाउएवर द फॉलोइंग चेंजेस मॉडिफिकेशन इन द काउंसलिंग स्कीम विल बी इम्प्लीमेंटेड फ्रॉम द अकेडमिक ईयर 2021 एंड 22। मतलब इस साल से इसमें कुछ चेंजेस भी किए जा रहे हैं। वो क्या क्या चेंजेस है मैं आप सभी को एक्सप्लेन कर देता हूँ। पहली बात, मतलब जो लास्ट ईयर हुई थी, जो नीट काउंसलिंग 2020 की थी, उसमें जो ऑल इंडिया काउंसलिंग होती थी उसके अंदर फर्स्ट राउंड होता था और सेकंड राउंड होता था। उसके बाद जो जो सीटें भर्ती नहीं थी फर्स्ट और सेकंड राउंड के अंदर, उन्हें दोबारा स्टेट्स की सीट में चेंज कर दिया जाता था। परंतु अब की बारी ऐसा नहीं होगा कि उन्हें स्टेट्स की सीट में चेंज कर दिया जाए, ठीक है, कि नो सीट विल बी रिवर्टेड बैक टू द रिस्पेक्टिव स्टेट्स आफ्टर कंप्लीशन ऑफ राउंड 2 ऑफ AIQ। अब की बारी ऐसा नहीं होगा। तो मोपअप और जो स्ट्रे राउंड होगा उसके अंदर भी जो बच्चे हैं वो सीट्स पे पार्टिसिपेट कर सकते हैं विदाउट फॉर द स्टेट कोटा। अभी क्या है कि जो अनफिल्ड NRI मुस्लिम माइनॉरिटी और माइनॉरिटी ऑफ जैन सीट्स आर रिवर्टेड टू द डीम्ड यूनिवर्सिटीज आफ्टर कंप्लीशन ऑफ मोपअप फॉर कंडक्शन ऑफ स्ट्रे राउंड वैकेंसी। अभी क्या होता था, जो कि अनफिल्ड NRI सीट्स जो होती थी, मुस्लिम सीट जो होती थी, जैन धर्म की जो सीट होती थी, उन्हें बदल दिया जाता था किसमें, डीम्ड यूनिवर्सिटी के अंदर, किसके बाद, मोपअप के बाद, ताकि वो स्ट्रे राउंड को उस पर कंडक्ट करवा सके। परंतु अब की बारी जो वो सीट्स बचेगी उन्हें कन्वर्ट किया जाएगा इंडियन नेशनल सीट्स आफ्टर एग्जॉशन ऑफ एलिजिबल NRI मुस्लिम माइनॉरिटी। मतलब जब सारे NRI मुस्लिम वगैरह जब नहीं बचेंगे तब उन्हें इंडियन नेशनल सीट्स में चेंज कर दिया जाएगा ड्यूरिंग द मोपअप राउंड बिफोर रिवर्टिंग इट बैक टू द रिस्पेक्टिव डीम्ड यूनिवर्सिटी। जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ कि मतलब स्ट्रे के लिए तो उन्हें डीम्ड में दिया जाएगा, परंतु उससे पहले मोपअप में इसे इंडियन नेशनल सीट्स में रखा जाएगा। जो रिजर्वेशंस पॉलिसी है वो किस हिसाब से है, जिस पे केस चल रहा था कि पहले SC को 15% जो कोटा मिलता था वो है ही, अब की बार भी उसे 15% कोटा मिल रहा है। परंतु अब की बार ये कहा गया है कि जितने भी कोटा होंगे वो स्टेट्स की सीट जितनी भी ऑल इंडिया में आती है और जो सेंट्रल सीट्स है वो भी सभी पे लागू होगा। ST को 7.5% है, अब की बार भी ST को 7.5% ही है। लास्ट ईयर जो OBC को 27% कोटा दिया जाता था वो दिया जाता था ओनली इन सेंट्रल इंस्टीट्यूट्स जैसे कि एम्स वगैरह, परंतु अब की बारी जो OBC है उन्हें हर कॉलेज में कोटा दिया जाएगा। आगे क्या है, जो EWS के बारे में दिया हुआ है कि EWS जो है कि पहले 10% कोटा दिया जाता था इन द सेंट्रल इंस्टीट्यूट्स एंड यूनिवर्सिटीज़, परंतु अब की बार उन्हें हर तरीके से कोटा हर कॉलेज में दिया जाएगा। और जो हैंडीकैप्स होते थे PWD, उन्हें 5% कोटा था और अभी भी उन्हें 5% कोटा ही मिल रहा है। काउंसलिंग फॉर द PGDNB सीट्स वॉज नॉट कंडक्टेड बाई MCC ऑफ DGHS MOHFW। मतलब पहले जो PG की DNB सीट्स की जो काउंसलिंग होती थी वो MCC नहीं करती थी, परंतु अब की बारी वो काउंसलिंग MCC ही करेगी। पिछली बारी होता था कि जो स्ट्रे राउंड होता था वो ऑफलाइन होता था, मतलब अगर बच्चा वहाँ पे पहुँच रहा है, अवेलेबल है, तो वो स्ट्रे राउंड में पार्टिसिपेशन करता था। परंतु इस बारी से ऑनलाइन राउंड होगा स्ट्रे राउंड भी, और हर कॉलेजेस के लिए DNB सीट्स के लिए ये होगा और ऑनलाइन ही पार्टिसिपेशन किया जाएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही था। मैं आशा करता हूँ कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे इस चैनल को, ताकि आपको सबसे पहले अच्छी अच्छी वीडियोज़ मिल सके। थैंक यू।